ચોમાસાની સીઝન શરૂ થતા જ લોકોમાં બીમારીના પ્રમાણમાં વધારો થઈ જાય છે, ત્યારે તેમાં પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગ લોકોમાં જોવા મળે છે। ત્યારે સુરતમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં તાવ અને મેલેરિયાના કેસ સામે આવી રહ્યા છે। છેલ્લા 3 દિવસ દરમિયાન તાવના 416 કેસ નોંધાયા છે। આ જ રીતે મેલેરિયાના 19 કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે સ્મીમેરમાં જુલાઈ મહિનામાં ડેન્ગ્યુના 26, મેલેરિયાના 39, ટાઇફોઇડના 29 અને ગેસ્ટ્રોના 49 દર્દીઓ દાખલ થયા હતા। મચ્છરજન્ય કેસ સામે તંત્ર દ્વારા પૂરતી સતર્કતા દાખવવામાં આવી રહી છે। નમસ્કાર। आज की डेट में जिस तरह से बारिश हो रही है पूरे साउथ गुजरात में, जिस तरह से बारिश हो रही है उस तरह से रोग चाड़ा बढ़ जाता है, और उसी तरह से हमारे यहाँ भी रोग चाड़ा के केसेस बढ़ गए हैं। इन जनरल हमारे यहाँ 10% जैसे बढ़ोतरी है, जैसे कि पहले जो पर डे OPD 700 की OPD थी होती थी मेडिसिन की, तो आज की डेट में 750 से लेकर 770 तक OPD हो रही है। इस तरह से केसेस की बढ़ोतरी हुई है, 10% केसेस की बढ़ोतरी, और इन केसेस की बढ़ोतरी में मेनली फीवर केसेस ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और फीवर केसेस में मेनली वायरल फीवर के केसेस ज़्यादा हैं, मलेरिया के केसेस ज़्यादा है। पीडियाट्रिक्स में तीनों तरह के केसेस बढ़े हुए हैं, एक तो वायरल फीवर, एक मलेरिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस भी बढ़े हुए हैं।